कट कट एक सेकंड आशीर्वाद आपको आपको हल्का सा अपने लत मारना पड़ेगा थोड़ा। हाँ ये पोजीशन चलो एक दो लाइन से वो आप ये पकड़ी मेरा तो ऐसे करके तुम ही हाथ पकड़ लेना एक हाँ ठीक है ये पकड़ा पकड़ा हिम्मत रोए जा रही है बस ओके ओके हाँ अभी वो लास्ट कर लेते मैडम को हेल तू हिलना नहीं जा रही फिर जा रोलिंग हिलना नहीं फिर जा रोलिंग एक्शन कट ओके सर दिख गया थोड़ा एक बार दिखाना सिमर को है या नहीं पता नहीं बट हाँ हमारे ऑडियंसेस को ये सारे हाई एंड ड्रामास बहुत पसंद है इसलिए हम बार बार इन्हें लाते रहते हैं जैसा कि मेरे सारे ऑडियंस को पता होगा कि वो 17 तारीख की रात को 12 से 3 के बीच में क्या हुआ ये हम कोई नहीं जानते तो हम वही गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं और उसी के लिए हम इस जंगल में आए हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं था अभी होने वाला है जो आप लोग देखेंगे अभी हुआ नहीं है बस होगा जो आप देखेंगे 17 तारीख को और हम भी नहीं जानते कि क्या हम भी नहीं जानते क्या मैंने कहा ना 12 से 3 क्या हुआ क्या कोई नहीं जानता हम भी नहीं जानते बस आप लोगों को ही पता होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सिमर और मैं यहाँ पर वैष्णवी जी के साथ कुछ सुराग ढूंढने आए हैं कि 12 से 3 उस रात को हुआ क्या था जब सिमर की जो CCTV फुटेज जो पुलिस को मिली है उस रात सिमर को ऐसा लगता है वो कहीं नहीं गई थी लेकिन अमर के अकॉर्डिंग सिमर की बॉडी और सिमर के माइंड को कोई चीज़ें कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही थी और वो उसको यहाँ लेके आई और पुलिस को ऐसा लगता है कि दक्षा बा और लीला की किडनैपिंग के पीछे सिमर का हाथ है तो उसको बेगुनाह साबित करने के लिए हम यहाँ कुछ सुराग ढूंढने आए हैं। सुराग तो मिले नहीं दक्षा बा की बॉडी ज़रूर मिल गई। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया मतलब आप क्या करने वाले प्रेम इसमें भी लगता है कि फंसते हुए नज़र आ रहे हैं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ कड़ियां हैं अगर वो अगर सुलझ जाती हैं तो बाकी कहानी सबके सामने आ जाएगी कि क्या हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी सारी कड़ियां सुलझ जाएंगी।